देखिए न्यूज चैनल की तरफ से नमस्कार। इस वक्त की खबर गया बिहार से आ रही है, जहां पर लूट की घटना के दौरान ही अपराधियों ने की फायरिंग। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष और उनकी टीम आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने एसीएम से मुलाकात करते हुए कहा कि विनय वार्ष्णेय, जो कि हमारी पार्टी के प्रमुख संगठन युवा मोर्चा के पूर्व महामंत्री के पद पर रहकर पार्टी की सेवा में निरंतर प्रयासरत रहे हैं और वे हमेशा युवाओं को पार्टी से जोड़ने और हर वर्ग की यथासंभव मदद करना और पार्टी की नीतियों को घर घर पहुंचाने का कार्य करने में लगे रहते हैं। और सीए के समर्थन में विनय ने अपने क्षेत्र में सर्व समाज के लोगों को जागरूक करने का कार्य बेहतर तरीके से किया है, जिससे सीए के विरोध में ऊपर कोर्ट पर चले रहे धरने में शामिल हुए लोगों की मानसिकता बदल रही थी, जिससे सीए विरोधी लोगों ने एक साजिश के तहत उपटनियों कर विनय को अपने षड्यंत्र में फंसाने का कार्य किया। और भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि आतंकवाद जैसी मानसिकता रखने वाले लोग जिस प्रकार से विनय के प्रकरण को अशांति की हवा देने का कार्य कर रहे हैं। तो 8:30 बजे के आसपास चाकन एसएचओ को एक सूचना मिली थी कि चाकन थाना अंतर्गत 12 में सीए के विरोध में एक धरना चल रहा है। उस धरना स्थल के आसपास जो है कुछ लोगों द्वारा फायरिंग की गई है और उनको स्थानीय लोगों द्वारा पकड़ के रखा गया है। सूचना पर एसएचओ चाकन तुरंत वहाँ पहुँचे और उसके बाद सीनियर ऑफिसर्स भी जो है घटना स्थल पर पहुँचे और जो तीनों व्यक्ति थे उनसे प्रारंभिक स्तर पर कुछ जो है मारपीट कर ली गई थी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा। तो उसके क्रम में उसके बाद तीनों व्यक्तियों को सुरक्षित जो है वहाँ से थाना लाया गया। पूछताछ के क्रम में तीनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जो वीरू कुमार है उसने पहले अपना गलत पता बता दिया, परैया थाना अंतर्गत का रहने वाला है, लेकिन बाद में सत्यापन के क्रम में तीनों लोगों की पहचान हुई, जिसमें से वीरू कुमार जो है वो खिजरसराय थाना के रहने वाले हैं, कमल यादव जो है वो प्रतापगंज चतरा के रहने वाले हैं और हरीश चंद्र वर्मा है ये पाठक बिघा गाँव खिजरसराय है वहाँ के रहने वाले हैं। इन लोगों से पूछताछ के क्रम में ये जानकारी आई है कि ये तीनों लोग जो है लूट का इकट्ठा करने लूट करने के लिए वहाँ इकट्ठा हुए थे उस स्थान पर और किसी जो है जो कोई राहगीर वहाँ से गुजर रहा था उसको रोकने का प्रयास किया गया, वो नहीं रुका, तो इसमें से वीरू कुमार द्वारा जो है उसके ऊपर फायरिंग कर दी गई। इसी फायरिंग को सुनकर जो वहाँ धरना स्थल पर कुछ 7-8 व्यक्ति बैठे हुए थे वो पहुँचे वहाँ और उनके द्वारा इन तीन लोगों को पकड़ कर रखा गया, जिसको बाद में पुलिस द्वारा रेस्क्यू किया गया। इस पूरे घटनाक्रम में जो है शुरुआती दौर में ये जो है अफवाह फैल गई कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धरना स्थल पर फायरिंग की गई है, लेकिन ये अभी तक जो तथ्य आया है उससे इस बात की पुष्टि नहीं होती है और ये स्पष्ट होता है कि ये तीनों जो है अपराध करने की नीयत से वहाँ इकट्ठा हुए थे और जो धरना स्थल था वहाँ कोई रोशनी भी नहीं थी, इसलिए इनके द्वारा जो है इस बात की इनको आभास नहीं हो पाया कि वहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। प्राथमिकी अंकित की गई है और आगे कार्रवाई की जा रही है। धरना स्थल से कितनी दूर पर थे? धरना स्थल से जो जानकारी मिली है कि 30-50 मीटर की दूरी पर बताया जा रहा है। वहाँ एक स्थानीय जो है जो इन अपराध कर्मियों द्वारा बताया गया कि एक स्थानीय यात्री सेट बना हुआ है, उसी यात्री सेट में लोग बैठे हुए थे और उसी क्रम में जब किसी राहगीर को लूटने का प्रयास किया गया तो उसी में गोली चलाई गई। तीनों किसी एक गिरोह का? तीनों जो है अभी ये वेरीफाई नहीं हो पाया है, लेकिन जो वीरू है इसके संबंध में जो हम लोगों ने स्थानीय थाना स्थल पर पता किया तो ये जानकारी आई है कि पहले भी गांव में भी आसपास भी इनके द्वारा जो है छीन छोड़ की घटनाएं की गई हैं, लेकिन इस संबंध में कोई कांड इनके विरुद्ध अंकित नहीं पाया गया। बाकी दोनों व्यक्तियों के भी आपराधिक इतिहास के विषय में हम लोग क्योंकि इसमें एक झारखंड का एक व्यक्ति बताया जो झारखंड का रहने वाला है उसके बारे में जानकारी मिली है कि वो यहाँ गया में रहकर जो है टेम्पो चलाता था और उसी क्रम में जो है इसकी पिछले 1.5-2 महीने में इन लोगों की आपस में मित्रता हुई है और उसी क्रम में मुंगेर से ये भी जानकारी मिली कि वीरू जो है वो लगभग 10 दिन पहले मुंगेर से 20,000 रुपए में ये जो हथियार था वो खरीद कर लाए थे। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।